तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज किस वीडियो में आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और साथ ही मैं कुछ आने वाली अपडेट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखते रहिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और पहली बार बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया है तो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है परमजीत टंडन ने कि भाई जियोफोन में न्यू ऐप कब आएगा। तो जियोफोन वन के लिए तो न्यू ऐप जो है वो भी होल्ड पर है, कुछ दिन नहीं आएंगे, लेकिन जियोफोन टू और जियोफोन F320B है उनमें सोमवार को यानी कि 7 दिसंबर को जो है कुकू FM आने वाला है, उन दोनों में ही नहीं है अभी तक। और जियोफोन से आप देखेंगे तो कुकू FM जो है जियो स्टोर से हट चुका है, तो शायद यहाँ पर मंडे को जियोफोन में भी वापस आ सकता है। बाकी जियोफोन टू और F320B में ज़रूर आएगा और आपको हो सकता है यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएंगी। वैसे मैंने जियोफोन में आने वाले ऐप का नाम बता ही दिया था आपको, स्पेनिश वर्ब्स जो ऐप है वो नेक्स्ट आने वाला है जियोफोन वन में, तो देखते हैं ये ऐप जियोफोन वन में कब तक आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज म्यूजिक डीजे का, इन्होंने कहा है कि यूट्यूब में जो हिस्ट्री वाला ऑप्शन है उसमें नए फीचर्स आए हैं और मेरे पास में इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, काफ़ी लोगों को अपडेट मिल चुका है लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो ये आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आप में से किसी ने भेजा था इस तरीके का कुछ इंटरफेस जो आपको यूट्यूब ऐप में देखने को मिलेगा। तो मुझे जैसे ये अपडेट मिलेगा मैं आपको जरूर से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अशोक बिश्नोई का, इन्होंने कहा है सुपर वीडियो एस के ब्रो, जियोफोन में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल का ऑप्शन कब आएगा, रिप्लाई करना प्लीज़ भाई। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपको वीडियो अच्छी लगती है उसके लिए। वैसे तो मैंने आपको वीडियो बना करके बता दिया था प्रूफ के साथ में कि जियोफोन में जो वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दोनों ही आएंगे व्हाट्सएप में, लेकिन कब तक आएंगे ये मेरे पास में अभी न्यूज़ नहीं है। जैसे ही मिलती है मैं आपको जरूर से वीडियो बना करके बता दूंगा, कोई भी फीचर के बारे में मुझे पता चलेगा आपको वीडियो बना करके मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट कमेंट है विशाल वर्मा का, इन्होंने कहा है कि जियोफोन के फेसबुक में इस न्यू अपडेट के बाद में जो है वो लाइक के अलावा बाकी जो रिएक्शन वाले इमोजी थे वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है इस वाले अपडेट के बाद में हट चुके हैं, क्योंकि अगर येलो लाइन भी आता है तो ये वाले अपडेट आपको नहीं मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए, फेसबुक की वेबसाइट से आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आप फेसबुक की वेबसाइट में ट्राई कीजिए, वहाँ पर आपको ये सभी फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट कमेंट है सोहेल भाई का, और ऐसा ही काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि जियोफोन में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करें और ऑप्शन कब तक आएगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि जियोफोन जो है लो मेमोरी बैंडविड्थ है, तो इसकी वजह से यूट्यूब वाले अगर चाहेंगे तो इसमें फीचर देंगे, बाकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि जियोफोन के यूट्यूब में वीडियो अपलोड का फीचर आएगा। और यूट्यूब स्टूडियो की जो वेबसाइट है वो जियोफोन में सपोर्ट नहीं करती है, जियोफोन का ब्राउज़र भी काफ़ी पुराना है, और साथ ही में अगर किसी वेबसाइट से ट्राई करते हो आप तो सिर्फ ऑडियो अपलोड कर पाओगे, वीडियो नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी है तो किसी का एंड्रॉइड फ़ोन ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई ट्रिक मिलेगी तो मैं आपको जरूर से वीडियो बना करके बता दूंगा। और हॉटस्पॉट वाली ट्रिक जो है वो भी मुझे नहीं मिली है, कोई आसान तरीका अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको वीडियो बना करके सबसे पहले बता दूंगा। मैं डेली ट्राई करता हूं लेकिन कोई यहां पर नई ट्रिक नहीं मिलती है, तो आप प्लीज़ बार बार कमेंट मत कीजिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केटी त्यागी का कि आपसे अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो वो कैसे करें। तो व्हाट्सएप नंबर तो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज वगैरह आते रहते हैं और इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब होता रहता हूँ, और अगर फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल करने वाले हो। तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए पहले, तो यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, अगर काफ़ी ज़्यादा मैसेज होते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर आप ईमेल कर देंगे तो मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे पाऊँगा। तो स्क्रीन पर आप मेरा ईमेल एड्रेस देख सकते हो, वहाँ पर आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या फिर कुछ पूछना हो तो मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूँगा। और यही सब आपके क्वेश्चन थे, मैंने आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, काफ़ी लोगों की यही सेम क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इनको उठाया है, और बाकी कुछ आने वाली अपडेट्स के बारे में भी आपको बता दिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।